तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं अंडे की भुजिया। तो अंडे की भुजिया को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अंडा, 4 टमाटर, 2 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 इंच अदरक और 6-7 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। तो मैंने यहाँ पे गाइस लाल साबुत मिर्च लिया है, आप चाहे तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। मेरे पास हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने लाल साबुत मिर्च लिया है। तो आइए चलिए देखते हैं अंडे की भुजिया। तो सबसे पहले अंडे की भुजिया बनाने के लिए गैस में रखिए कढ़ाई, और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालिए, और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें हम डालेंगे प्याज। तो ये कढ़ाई गर्म हो चुका है और हम इसमें डालेंगे प्याज। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, इसे चला लेंगे अच्छी तरह से। तो गाइस आप देख सकते हैं कि प्याज हल्का गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक को डालेंगे। ये गाइस अब हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक को डाल रहे हैं। इसमें हमने बारीक कटी अदरक और लहसुन को डाल दिया है, इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे। तो गाइस अंडे की भुजिया बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने को ये दिखा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो गाइस हम अब वेट कर रहे हैं कि प्याज अच्छे से लाल हो जाए और उसके बाद हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे। तो जैसे ही ये लाल हो जाएगा गाइस हम इसमें टमाटर को ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं अब हम टमाटर को ऐड करते हैं इसमें। तो गाइस प्याज अच्छे से लाल हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डाल दे रहे हैं। तो गाइस हमने ये 4 टमाटर को चॉप कर लिया है और अब हम इसमें इसे ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें इसे ऐड कर दिया है और अब हम इसे चलाएंगे अच्छी तरह से। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। तो गाइज इसमें हमने अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइज देखिए ये टमाटर अच्छे से गल चुका है, अब हम इसके पानी को थोड़ा और सुखाएंगे। आप देख सकते हैं ये और थोड़ा सूख जाएगा, तो हम इसमें अंडे को ऐड कर देंगे। तो गाइज ये सूख चुका है, अब हम इसमें अंडे को ऐड करते हैं। ये हमने 1 अंडा डाला, अब हम दूसरे अंडे को भी डालेंगे। ये हमने दूसरे अंडे को भी डाल दिया इसमें। अब हम 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह छोड़ देंगे, इसे बिल्कुल भी हम हिलाएंगे नहीं, और इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो हमने इसमें स्वाद अनुसार हल्का सा नमक ऐड कर दिया है। गाइस इसे 2 मिनट छोड़े ऐसे हो गया है, अब हम इसे मिला के देखेंगे। तो गाइस ये अभी कच्चा ही है, तो इसे हम और थोड़ी देर पका लेंगे। तो गाइस हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने, अब देख सकते हैं ये अंडे की भुजिया अच्छी तरह से तैयार है।